Assalamualaikum. This is your host Saeed Mohsin Sohail, and you're watching Knock Too Hot. And this time around again, we are coming with the latest news for Asia Cup 2023. Last time, हमने आपको बताया था कि हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान PCB चेयरमैन नजम सिटी ने प्रेजेंट कर दिया है एशिया क्रिकेट काउंसिल को. लेकिन the latest breaking news is that this hybrid model has been rejected by BCCI. जी हाँ, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, बट आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया गया है BCCI ने. बहुत सारी न्यूज़ फैल रही है पूरे सोशल मीडिया के अंदर, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बट मैं आपको प्रॉपर न्यूज़ बता रहा हूँ. जो करेक्ट न्यूज़ है वो ये है कि BCCI ने इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया. प्राइमरली देयर वर टू थ्री रीजंस जिस पर ये बात हो रही है. नंबर वन रीजन ये कि पाकिस्तान के एक पोलिटिकल अनरेस्ट की वजह से, जो पोलिटिकल सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड चल रही है, न्यूज़ जो पाकिस्तान में हो रहा है, उस वजह से उन्होंने बोला कि पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से हम पाकिस्तान में टीम्स नहीं भेजना चाहते. ये BCCI कह रहे हैं. इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर BCCI कह रहे हैं तो BCCI के सारे मैचेस तो हैं आउटसाइड पाकिस्तान. तो BCCI किस स्टेटस पे कह रहा है? क्या वो ICC है? क्या वो एशियन क्रिकेट काउंसिल है? नहीं, बट वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है जैसे वो खुद सबसे बड़ी अथॉरिटी है. वो सिर्फ अपनी टीम के लिए कह सकता है बात, और अपनी टीम के लिए वो इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि सारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से इंडिया के बाहर हो रहे हैं आउटसाइड पाकिस्तान. जबकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इसमें हामी भरी थी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी इनिशियली हामी भरी थी. लेकिन जो उनका दूसरा प्रॉब्लम है वो ये है कि वो UAE में होस्ट करवाने के लिए एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, खासतौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड. उसका रीज़न ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि अगर एशिया कप UAE में कराते हैं, इतनी गर्मी के अंदर 50 ओवर का मैच कराएंगे, तो राइट आफ्टर मंथ जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर हमारी बहुत प्रोबेबिलिटी की इंजरीज हो जाएं, जो कि वैलिड बात है. ये हो सकती है बात जिसको आप समझ सकते हैं, सेन माइंड ज़रूर है. ये बात श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी कह रहा है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ये भी कह रहा है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि उनकी तरफ मैच शिफ्ट हो जाए, वो यानी कि होस्ट कर लें. लेकिन अगर वो होस्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. लेकिन एज ऑफ नाउ द हाइब्रिड मॉडल विच नजम सिटी हैज प्रेजेंटेड टू एशियन क्रिकेट काउंसिल हैज बीन रिजेक्टेड बाय BCCI, नॉट बाय श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड. लेकिन उनकी रिजर्वेशन अपनी जगह मौजूद हैं. अब मैं आपको ये बता दूं कि इसके अलावा जो कंट्रीज होती हैं वो इंग्लैंड हो जाती हैं, वो साउथ अफ्रीका हो जाती हैं, वो अमेरिका हो जाती हैं. लेकिन वहाँ एशियन क्रिकेट काउंसिल में स्टांस ये है कि अगर एशिया कप है तो एशियन सॉइल पे ही होना चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी ही एशियन सॉइल पे. अगर आप आउटसाइड इसे ले जाएंगे तो वो एशिया कप कैसे रहेगा? लॉजिकल बात है, अंडरस्टैंडेबल बात है. अब समझने वाली बात ये है कि इतने डिस्प्यूट हो चुके हैं एशिया कप के, क्या एशिया कप होगा भी या नहीं. बहुत से हल्कों का कहना है कि अगर पाकिस्तान एशिया कप कराना चाहता है और इंडिया उसमें नहीं आना चाहता तो गो अहेड, गो विद इट, प्ले विदाउट इंडिया. लेकिन ये मेरा मानना है कि इंडिया के बगैर भी एशिया कप नहीं हो सकता और पाकिस्तान के बगैर भी एशिया कप नहीं हो सकता, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान जो रेवेन्यू जनरेट करता है वही अल्टीमेटली ICC कमाता है. और ICC कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान एक टूर्नामेंट में रहते हुए भी आपस में ना खेलें या उनमें से कोई एक बैकऑफ हो जाए. ये बिल्कुल क्रिकेट को सूट नहीं करता और क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए न्यूज़ भी अच्छी नहीं है. बहरहाल द एंड ऑफ द स्टोरी इज कि एशिया कप इज स्टिल इन डाउट्स कि वो कहाँ होगा, वो कब होगा, वो कैसे होगा, वो होगा भी या नहीं होगा. आप अपनी राय हमें बताइएगा. इफ यू लाइक अ वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब अप टिल नाउ प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डू इट एज वेल. हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियोज को स्प्रेड करें एज मच एज पॉसिबल. एशिया कप के हवाले से और क्रिकेटिंग वर्ल्ड की सारी न्यूज़ के हवाले से हमें कनेक्टेड रहें, हमारी वीडियोज का वेट करते रहें, सब्सक्राइब के बेल आइकन जरूर दबाएं, और हमारी नोटिफिकेशन से आगे होने के बाद हमें कॉमेंट्स में भी बताएं कि आपको हमें वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा. टिल देन योर होस्ट साइनिंग ऑफ. See you soon in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.